वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डाइट 2 to 20। ओके, सो आज से स्टार्ट करेंगे अपन ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एज मैटर। ठीक है, सो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके लिए, नेट और जेईई के लिए। ठीक है, सो यहाँ से लेके जो भी क्वेश्चन बनता है जो फॉर्मूले के बेस पे ही बनता है। ठीक है, सो फॉर्मूले जितना तुम याद करोगे उतना तुम्हारे लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जो बोर्ड के लिए एग्जाम, बोर्ड के लिए कुछ जो डायग्राम्स है, डायग्राम्स या फिर कुछ पॉइंट्स वगैरह है वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसमें क्या करना है तुमको, ज्यादा से ज्यादा फार्मूले तुमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्यादा फार्मूले याद करोगे सो तुम्हारा एग्जाम भी अच्छा जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर ये बोला, तो सबसे पहले अपने को फोटोन। ठीक है, तो सबसे पहले फोटोन क्या होता है वो याद होना चाहिए। ओके, सो फोटोन होता है लाइट का जो पार्टिकल होता है ना। ठीक है, तो जैसे ये सन से कुछ लाइट आती है तो एक ही फॉर्म की नहीं आती है ना। ठीक है, अपने को क्या दिखता है, एक व्हाइट लाइट दिखता है। ओके, एक व्हाइट लाइट दिखता है। ठीक है, सो अगर उसके बीच में मैं एक प्रिज्म लगा लूंगा। ठीक है, तो प्रिज्म लगाने के बाद देखो यहाँ से ऐसे सात कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, बिग फोर बोलते हैं उसको। ठीक है, सो इसकी कुछ वेवलेंथ हो जाएगी, कुछ वेवलेंथ हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे कुछ बैंड जैसे अपने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो वेवलेंथ सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की। ठीक है, रेड कलर की, और सबसे कम वायलेट की। ठीक है, सो वायलेट की कम होती है और रेड की सबसे ज्यादा होती है। ओके, सो अगर मुझे इसकी एनर्जी कैलकुलेट करना है, ठीक है, एनर्जी, सो एनर्जी का फार्मूला तो है E=hν। ओके, E=hν। सो यहाँ पे देखो न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये है प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, H है प्लैंक कांस्टेंट और E क्या है उसकी एनर्जी। ओके, सो अगर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला अपने को पता ही था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, C/λ। ओके, C/λ, सो अपने को क्या ये वाला पता है, तो C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ओके, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, जो है स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद लैम्डा, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, किसका, जो भी अपने को लाइट कंसीडर करेंगे अपन उसकी हो गई वेवलेंथ। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद देखो ये न्यू की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, HC/λ, E=hc/λ। तो ये हो गया एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी का फार्मूला। ओके, तो बाकी यहाँ पे देखो HC है ना, तो ये तो दोनों कॉन्स्टेंट ही है, सो इसकी कुछ वैल्यू बन सकती है। ठीक है, तो अगर जनरल तो तुम्हारा ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना, तो उसका अगर तुम मल्टीप्लाई कर लोगे तो उसका जो वैल्यू है ना वो इतना बन जाएगा 12400। ओके, डिवाइडेड बाय ये लैम्डा। ठीक है, तो ये बन जाएगा एमस्ट्रॉन्ग में। ठीक है, ये बन जाएगा एमस्ट्रॉन्ग में। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इसको कन्वर्ट करना है मुझे नैनोमीटर में। ओके, जनरली अपन नैनोमीटर में ही कन्वर्ट करते हैं ना, सो नैनोमीटर में क्या बन जाएगा इसका, 1240। ओके, 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। ओके, जब यहाँ पे वेवलेंथ नैनोमीटर में रहेगी तब। ओके, ये बन जाएगा एनर्जी का फार्मूला। ठीक है, तो तुमको दोनों इक्वेशन तुमको याद करनी पड़ेगा। ओके, इसके लिए न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट है और ये E=, क्या है E=, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, सो जैसे जैसे मैं ये एनर्जी बढ़ाऊंगा तो ये लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर मैंने वेवलेंथ को बढ़ा दिया, ठीक है, वेवलेंथ को अगर मैंने बढ़ा दिया तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सो ये वाला इक्वेशन तुमको याद कर लो। ठीक है, सो ये वाला इक्वेशन याद कर लो थोड़ा, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओके, सो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। ओके, सो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ पे देखो E=hc/λ, ये हो गया। उसके बाद मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम जैसे अपन ने न्यूटनियन मैकेनिक्स पे पढ़ा था। ठीक है, मैकेनिक्स में जो पहला चैप्टर वगैरह होता है ना 11th में, सो उस चैप्टर में पढ़ा था P=m×v। ओके, ये वाला पढ़ा था P=mv। m क्या है, मास, और ये वेलोसिटी। सो जब मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं तो P=, क्या होता है, m×v। ये वाला फॉर्मूला तुमको पता ही होगा। ओके, सो अगर टी, तो ये हो गया न्यूटन मैकेनिक्स में, और मुझे इसमें कैलकुलेट करना है, इसमें ये फोटॉन की स्टडी कर रहे हैं ना अपन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो उसमें अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्या, मोमेंटम। सो
सो मोमेंटम अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फार्मूला था है पी इज इक्वल टू एच बाय लैम्बडा। ओके पी इज इक्वल टू एच बाय लैम्बडा। ठीक है सो देखो लैम्बडा पढ़ा था अपन ने यहाँ पे यहाँ से। ओके सो लैम्बडा क्या हो सकता है इस इक्वेशन में पुट करने के बाद। सो लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा सी बाय न्यू। ओके सो लैम्बडा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा। ओके सो क्या बन जाएगा एच सी और यहाँ पे न्यू। ठीक है सो ये बन जाएगा इक्वेशन, ये इक्वेशन बन जाएगा एच न्यू बाय सी। ओके एच न्यू बाय सी ये इक्वेशन बन जाएगा। ओके और यहाँ पे देखो एनर्जी 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 का फॉर्मूला क्या है एच न्यू। सो यहाँ पे क्या बन सकता है ई बाय सी। ओके तो ये बन जाएगा मोमेंटम। ओके तो मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो इसको। ओके सो ये हो गया मोमेंटम। अगर मुझे फोटॉन का मास कैलकुलेट करना है, फोटॉन का मास कैलकुलेट करना है तो मैं कौन सा इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। हाँ इक्वेशन मास ऑफ मूविंग फोटॉन, मास ऑफ मूविंग फोटॉन क्या हो सकता है यम इक्वल टू एच न्यू बाय सी स्क्वायर। ओके ये वाला इक्वेशन बन सकता है यहाँ पे। ठीक है सो ये बन गया। तो इतने जो फार्मूले हैं तुमको थोड़ा याद करना पड़ेगा, अगर नहीं पता नहीं याद हो रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लो और हो जाएगा उसके बाद। ठीक है सो डायरेक्टली मूव करते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ओके सो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे देखो ये वाला रिलेशन है ना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इसका यूज कैसे होता है वो अपन एनिमेशन के थ्रू देखेंगे। सो जैसे अपन ने पढ़ा था ओके सो उसमें देखो एनर्जी की वैल्यू क्या थी ई इज इक्वल टू एच न्यू। ओके ई इज इक्वल टू एच न्यू और एच न्यू क्या है एस सी बाय लैम्बडा। ओके एस सी बाय लैम्बडा ई इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्बडा। ठीक है और एस सी की वैल्यू क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू है क्या है 1 to 4 2 उसके बाद डिवाइडेड बाय लैम्बडा। ठीक है तो ये दिया है तो ये हो गया नैनोमीटर में। ओके और यहाँ पे दिया है वेवलेंथ अपने को नैनोमीटर में। ओके सो जैसे जैसे मैं ये लैम्बडा की वैल्यू इंक्रीज करूंगा सो इसकी एनर्जी है ठीक है एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ओके सो अभी देखो यहाँ पे एनर्जी जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू हाई है। ओके सो जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू कम करूंगा ठीक है सो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएंगी। ओके सो देखो यहाँ पे मैं करके दे रहा हूँ ऐसे सो इसको मैं कम कर रहा हूँ इसको मैं कम कर रहा हूँ। सो जैसे जैसे कम करेंगे इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके और जैसे एनर्जी बढ़ेगी सो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। ओके एक मेटालिक सरफेस है ठीक है एक मेटालिक सरफेस है सो जैसे यहाँ पे मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा इंटेंसिटी मतलब यानी एनर्जी सो एनर्जी ऑफ लाइट इसको बढ़ाऊंगा सो यहाँ से एनर्जी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स वो निकल जाएंगे। ओके सो देखो यहाँ पे उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स दिया है। ओके सो रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स इज 0। ओके रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स क्या होता है 0। सो यहाँ पे देखो ये इसको क्या बोल सकते हैं अपन जो इसको पार्टिकल्स है ना ये लाइट के पार्टिकल्स। सो लाइट के पार्टिकल्स को ही क्या बोलते हैं फोटॉन बोलते हैं। ओके सो ये हो गया फोटॉन्स। ठीक है सो उसके बाद जो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स है वो कंप्लीटली डिपेंड रहती है काइनेटिक एनर्जी। ओके काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। ओके उसके बाद मोमेंटम भी पढ़ा था अपन ने। मोमेंटम क्या देखा था मोमेंटम का फॉर्मूला पी इक्वल टू एच बाय लैम्बडा। ठीक है पी इज इक्वल टू एच बाय लैम्बडा। ओके और पी का क्या होता है जैसे न्यूटन ने मैकेनिक्स पढ़ा था अपन ने। सो पी इक्वल टू क्या था यम वी मास इनटू वेलोसिटी ये होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है सो अगर मैं मोमेंटम को बढ़ा देता हूँ ठीक है मोमेंटम मजर में मुझे मेजर करना है। ठीक है सो देखो यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला है। सो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है एच बाय लैम्बडा। ठीक है और लैम्बडा की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे सो क्या बन जाएगा पी इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी। ओके सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट जैसे कि अपन ने पहले देखा था। ओके सो यहाँ से तुम मोमेंट ऑफ फोटॉन कैलकुलेट कर सकते हो। ओके उसके बाद मास ऑफ मूविंग फोटॉन सो जैसे ये मूव हो रही है ठीक है अगर रेस्ट में रहते हैं ठीक है अगर भाई ये रेस्ट में रहते हैं तब उसका जो मास है वो क्या होता है ऑलवेज 0 ही होता है। ठीक है बट यहाँ पे वो मूव हो रही है। ठीक है सो मूव होने के बाद उसका जो मास है मास क्या बन जाएगा एच न्यू बाय सी स्क्वेयर। ओके एच न्यू बाय सी स्क्वेयर इक्वल टू क्या है एच बाय सी लैम्बडा। ओके ऐसे बन सकता है। ठीक है सो देखो जैसे ये वाला पढ़ा था अपन ने यहाँ पे फोटॉन। ओके प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन ये देखा था
इज इक्वल टू ये वाला, ठीक है। सो जैसे जैसे ये इंक्रीज करेंगे ये डिक्रीज हो जाएगा ऑलवेज, ओके। सो ये देखा था। उसके बाद देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है, व्हाट इज द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ 621 नैनोमीटर, ओके। सो इसमें तुमको एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे पढ़ा था अपन ने E इक्वल टू क्या था, 1242 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन ये नैनोमीटर में, ठीक है। सो कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। अगर ये एमस्ट्रांग में दिया रहता है, एमस्ट्रांग मतलब जैसे अपन ने 11th में एक फार्मूला देखा था, 1 एमस्ट्रांग मतलब क्या होता है, 10 to the power -9 नैनोमीटर, ओके। सो अगर एमस्ट्रांग में बोलता है तो तुमको एमस्ट्रांग में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। बट यहाँ पे देखो क्या किसमें कैलकुलेट किया है, नैनोमीटर में, ठीक है। सो नैनोमीटर वाला के लिए क्या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। सो कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद ए ऑप्शन है वो करेक्ट आता है, ठीक है। सो आप इसको एक बार फिर से ट्राई कर लो कि कैसे आता है, ओके। उसके बाद मोमेंटम, मोमेंटम क्या देखा था, पी इक्वल टू एच बाय लैम्बडा, ओके। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, वेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। सो जो ये लाइट वेव है ये किससे बनती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बनती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ओके। दोनों जब अप्लाई करेंगे और जो रिजल्टेंट वेव निकल जाएगी उसको क्या बोलेंगे अपन, इसको लाइट बोलेंगे, ओके। सो यहाँ पे जैसे ये वेवलेंथ है इसको मैं किस पे इंसिडेंट किया, एक मेटेलिक सरफेस पे, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, ठीक है। सो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है। सो दिस फेनोमिना क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। उसके बाद फोटो करंट, ठीक है। सो फोटो करंट दिया है यहाँ पे, यहाँ पे भी करंट अपन मेजर कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे करंट की कुछ वैल्यू दिया है, 0.12132, ओके, इतनी दिया है। सो यही है फोटो करंट, ठीक है। ये फोटो करंट कैसे निकलता है, जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा ये फोटो करंट भी ऑब्वियसली बन जाएगा, मतलब मूवमेंट, ठीक है। मोमेंटम जब पढ़ा था ना अपन ने, मोमेंटम मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ओके। सो जब ये इसका मास कुछ हो जाएगा क्योंकि ये मूव हो रही है ना, और इसकी वेलोसिटी भी है। सो जैसे जैसे मैं इसकी वेलोसिटी बढ़ाऊंगा, ठीक है, इसको इसकी वेलोसिटी अगर बढ़ जाएगी, ठीक है, ये वेलोसिटी कैसे बढ़ जाएंगी, जैसे जैसे मैं ये वेवलेंथ है इसको मैं कम करूंगा तब इंटेंसिटी क्या बन जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। इंटेंसिटी मतलब उसकी एनर्जी, ठीक है, एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी इंक्रीज हो जाने के बाद, एनर्जी इंक्रीज हो जाने के बाद ये जो मोमेंटम है ये बढ़ जाएगा, ओके, ये बढ़ जाएगा। सो ये बढ़ जाने के बाद करंट भी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो इसको क्या बोलेंगे अपन, फोटो करंट बोलेंगे, ओके। उसके बाद वर्क फंक्शन, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होता है, जैसे अपन कोई काम करते हैं किसी भी प्लेस पे, ओके, तो उसमें कुछ फंक्शन तो पढ़ना ही रहता ही ना, ठीक है। सो देखो जो है यहाँ पे, यहाँ से लेके इंसिडेंट लाइट आ रहा है, यहाँ पे एक मेटेलिक सरफेस दिया है और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ओके। सो ये क्या है, फोटॉन्स, तो फोटॉन्स की एनर्जी क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये हो गया फोटॉन्स। उसके बाद देखो ये मेटेलिक सर्फेस है, यहाँ पे कुछ वर्क करेगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन देगा ना अपने को, यहाँ पे कुछ वर्क करेगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन देगा ना, ठीक है। सो यहाँ से लेके कौन सी एनर्जी आती है, एच न्यू, ठीक है। सो अपन कैसे लिखेंगे, एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस ई वी नॉट, ठीक है। सो अभी ये इक्वेशन क्या है अपने को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी एच न्यू, किसकी एनर्जी, इस लाइट की एनर्जी, ओके। यहाँ पे कुछ वर्क फंक्शन हो रहा है डब्ल्यू नॉट प्लस यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, यहाँ से जा रही है, तो उस इलेक्ट्रॉन से भी कुछ एनर्जी हो जाएगी। सो उसको क्या बोलेंगे, इसकी एनर्जी ई नॉट, ठीक है, ई वी नॉट, ये बन जाएगी इसकी एनर्जी, ओके। सो जो फोटो इलेक्ट, उसके बाद जो इसकी स्टडी की थी आइंस्टाइन ने, ठीक है। सो इसको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। सो यही है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ओके। सो देखो यहाँ से ये टोटली किस पे कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ऐसे बोला था अपन ने, ओके। द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज कम्प्लीटली काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो जो फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वेशन है वो इसमें कन्वर्ट होगा, एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। सो अगर काइनेटिक एनर्जी मुझे मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, सो क्या बन जाएगा, एच न्यू माइनस ओमेगा नॉट, ओके, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, ओके, ऐसा बन जाएगा, ओके। और डब्ल्यू नॉट क्या है, एच न्यू नॉट, ओके, ऐसे बन जाएगा। तो यही है
वर्क फंक्शन। ओके ये वर्क फंक्शन है, ठीक है। सो इसकी एनर्जी है वो ऑलवेज ग्रेटर चाहिए, ठीक है, किसके वर्क फंक्शन से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखा है व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन गेट्स, मतलब इसका हायर रहेगा, ठीक है, एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंट, तो इसका एनर्जी है वो ऑलवेज ग्रेटर चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो ये देखो यहाँ पे लाइट एनर्जी क्या बोला था अपन ने, ये लाइट एनर्जी जब हाई रहेगी, ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में क्या बोला, लाइट रे, लाइट रे, ठीक है, लाइट रे की एनर्जी, एनर्जी इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एच न्यू, सो एच न्यू इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, ठीक है, तभी क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन इमिशन हो जाएंगे, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। अगर ये लेस देन रहता है, लेस देन रहता है किसके वर्क फंक्शन से, सो जो मेटल है मेटेलिक सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिटेड नहीं हो जाएंगे, ओके। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखना है तुमको, ठीक है, सो जब एग्जाम में निकालना है तुमको तो तुम ऐसे निकाल सकते हो एक्सपेरिमेंट सेटअप, ओके। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल, ओके। सो यहाँ पे देखो कुछ बैटरी लगा लिया है, बैटरी, ओके। सो बैटरी लगाने के बाद देखो यहाँ पे कुछ पोलैरिटी तो दिया नहीं है इसमें, कुछ भी पोलैरिटी नहीं दिया है, ओके। सो जैसे जैसे मैं ये पोलैरिटी है ना, इसको मैं ये निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करता हूँ, निगेटिव डायरेक्शन में यानी डिक्रीज हो जाएगा ये, ठीक है, ये निगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज हो जाएगा, ओके। सो जैसे जैसे मैं डिक्रीज करूँगा देखो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वापस आ रही है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और ये निगेटिव, निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, सो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इस प्लेट पे और निगेटिव चार्ज बन जाएगा इस प्लेट पे, ओके। सो जैसे है यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा रहता है, निगेटिव रहता है, ठीक है, उसके निगेटिव रहता है। सो जैसे जैसे ये इस डायरेक्शन में जाएंगे, सो यहाँ पे निगेटिव रहता है और यहाँ पे निगेटिव, सो दोनों पे निगेटिव निगेटिव रहेंगे, तो निगेटिव निगेटिव क्या होता है, रिपल्शन ही होता है ना, सो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाके फिर से रिपीट हो जाएंगे, ठीक है, फिर से वापस आ जाएंगे, ओके, फिर से वापस आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि निगेटिव निगेटिव क्या होता है, रिपल्शन फोर्स, ठीक है। सो जैसे जैसे देखो यहाँ पे पोटेंशियल, ओके, पोटेंशियल को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो करंट की वैल्यू देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ओके, और जो पोटेंशियल है, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा निगेटिव चार्ज और यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सो ऑब्वियसली निगेटिव पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज हो जाए, मतलब अट्रैक्ट हो जाएंगे, ओके। सो ये जो पूरे इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में जाएंगे, ओके। तो जैसे अपन ने मोमेंटम पढ़ा था, ओके, मोमेंटम पढ़ा था, सो जैसे जैसे मैं पोटेंशियल को इंक्रीज करूंगा, ठीक है, सो देखो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसका स्पीड देखो, उसका स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा हो रही है ना इसमें, पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, सो ये पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे इस डायरेक्शन में, ओके। सो जो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे हाई स्पीड पे, और कुछ जो इनर साइड वाले थे, ओके, ये मेटेलिक सरफेस है ना, सो इसमें कुछ इनर शेल भी रहेंगे और एक आउटर शेल भी रहेंगे, ओके। सो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए निकलने के लिए, ठीक है, सो जैसे वो निकल जाएंगे वो थोड़े धीरे स्पीड से जाएंगे और जो आउटर शेल वाले हैं वो हायर स्पीड पे चले जाएंगे, ठीक है। सो यही है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, इफ वी रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ बैटरी इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल एंड सर्टन वैल्यू ऑफ निगेटिव पोटेंशियल करंट ड्रॉप टू जीरो, ओके। सो कुछ ड्रॉप के बाद वो जीरो दिखाएगा, ओके। सो यही है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ न्यूमेरिकल दिया है फार्मूले के बेस पे, सो आप इस फार्मूले को याद कर सकते हो, ओके। फार्मूले कैसे हैं, ई वी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसकी एनर्जी है वो क्या है, ई वी है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, वो टोटली कन्वर्ट किस में होती है, काइनेटिक एनर्जी में। सो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ओके। उसके बाद क्या दिया है इसने, ई न्यू ई वी इक्वल टू एच एच, ठीक है, एच न्यू माइनस एच न्यू। सो एच न्यू क्या है, एच न्यू किसकी एनर्जी है, ये हो गई इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, ठीक है, माइनस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ओके। सो ये बन जाएगा ये, सो इसके बाद ई से मैं डिवाइड कर लूँगा इसको, सो क्या बन जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो एच न्यू बाई ई माइनस डब्ल्यू बाई ई, ओके। सो एच न्यू की वैल्यू क्या होती है, 1 to 4 इन नैनोमीटर, सो यहाँ पे तुम वो वाली यहाँ पे लिख सकते हो, ओके, माइनस ये वर्क फंक्शन,
तो दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद तुमको ये न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो इसके आंसर क्या आता है आप कमेंट्स बॉक्स में डाल देना, ओके। उसके बाद ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कैसे बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, जैसे अपन ने ये वाला इक्वेशन पढ़ा था, ये सेम वैसे यहाँ पे आ जाएगा, ओके, सेम इसका निकल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, ओके। तो जैसे यहाँ पे देखो इसको स्टडी करना है तुमको, इस कोर को, ठीक है, इस कोर को स्टडी करना है। तो ये कैसे बनेगा, देखो स्लोप इज द सेम फॉर ऑल मेटल, हायर द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू मोर द निगेटिव वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे देखो डब्ल्यू इस डायरेक्शन में क्या दिया है, न्यू, ठीक है, इस डायरेक्शन में न्यू, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिया है, ठीक है। सो जैसे मैं न्यू की वैल्यू जीरो करता हूँ, मतलब जीरो मतलब यहाँ पे, ओके, जीरो मतलब यहाँ पे, सो ये जीरो हो जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डब्ल्यू, ठीक है। सो माइनस डब्ल्यू यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, माइनस डब्ल्यू यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से जो स्लोप है वो ऐसे बनेगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो ये एज द इंटेंसिटी इंक्रीजेस द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस, ओके। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी दोनों, ओके। तो जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज कर लूंगा, जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर लूंगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब ये वाला, ओके, पहले तो जीरो था, पहले कुछ निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे देखो निगेटिव, सो मैंने यहाँ पे कुछ निगेटिव लगाया, ठीक है। सो जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूँगा तो करंट की वैल्यू देखो यहाँ पे कुछ इंक्रीज हो रही है, ओके, कुछ इंक्रीज मतलब जैसे यहाँ पे देखो निगेटिव, अभी निगेटिव है, जीरो है, ठीक है। सो निगेटिव यहाँ पे जीरो है, करंट की वैल्यू जीरो ही है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज कर लूँगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखो इंक्रीज हो जाने के बाद 132 पे वो कांस्टेंट दिखा रहा है, 132 पे कांस्टेंट दिखा रहा है, ठीक है। सो कांस्टेंट कहाँ पे है, यहाँ पे, ओके, करंट की वैल्यू दोनों जगह कांस्टेंट है, ओके। पोटेंशियल तो वैरी हो रहा है ना, ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू वैरी हो रही है, ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू वैरी हो रही है ना, तो करंट की वैल्यू क्या आई है, सेम ही आ रही है, ओके। उसके बाद ये न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है, न्यूमेरिकल क्या दिया है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल वी स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी, ठीक है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी, इसका क्या आंसर आता है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ओके। तो यही है आज के लिए, इतना ही, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।